अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खरीद रहे हैं प्राचीन मंदिर रुख लगाने की मांग। बताते चलें कि बरेली के थाना कोतवाली क्षेत्र में गली आला हजरत में ठाकुर जी का प्राचीन मंदिर है, जिसमें लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित है। उसको अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को बेचे जाने को रोक लगाने की मांग की गई। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे मोहल्ला सौदगरान थाना कोतवाली सदर के निवासियों का कहना है कि हमारे उनके मोहल्ले में लगभग 200 वर्ष पुराना ठाकुरदार विराज जी लक्ष्मी नारायण का प्राचीन मंदिर, जो कि स्वर्गीय पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा और रईस के पूर्वज द्वारा बनवाया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात पुत्र कुलदीप नारायण शर्मा दीपक बाबू उसकी देखरेख करते थे। विगत 3 वर्षों से कुलदीप नारायण शर्मा और दीपक बाबू का भी स्वर्गवास हो गया। जब से मंदिर को देखभाल संदीप शर्मा, उनके सगे फुफेरे भाई धीरज दीक्षित, अंशु बिहारी दीक्षित, मनीष पंचोरी इत्यादि लोग करते थे। मंदिर में अति प्राचीन हनुमान जी दुर्लभ प्राचीन आज भी मौजूद हैं। प्रसिद्ध आला हजरत दरगाह के समीप होने के कारण अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा भारी कीमत देने का लालच देने की वजह से स्वर्गीय कुलदीप नारायण शर्मा के पुत्र संदीप शर्मा उर्फ संजी नियत से बड़ी कीमत के कारण खराब हो गई बदनसीब लालच की भावना के तहत मंदिर को देवस्थान उनकी संपत्ति उसमें सभी हिंदू धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी है उसको मुस्लिम धर्म के व्यक्ति को विक्रय करने रहे हैं। इसको लेके आज उन्होंने डीएम से शिकायत की। प्रदीप रस्त हो गई ये साहब, हमारे दरगाह आला हजरत पे जो जनार्दन आचार्य वाला मंदिर है उसके सामने वाले मकान का मैटर है, जो कि मंदिर है और मकान नंबर 74 के नाम से नगर निगम में दर्ज चला आ रही है 1977 से। उसमें कुलदीप नारायण शर्मा जी के पूर्वजों ने इसे मंदिर वो करा था। उसके बाद कुलदीप नारायण शर्मा ने अपने जीवन काल में कुछ प्रॉपर्टी उसमें से खुर्द बुर्द करके फर्जी तरीके से बेच दी, और जो अब उनका बेटा है संदीप शर्मा और संजी, वो अब उसे फर्जी रूप से 2-3 रजिस्ट्रियाँ बैक कर चुका है और बची हुई मंदिर की जगह के भी अस्तित्व मिटा देना चाहता है बेच के मंदिर बेचना चाह रहे हैं। हाँ, जो कि वो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, उस पर कोई जिला जज से उन्होंने आदेश नहीं लिया है। और उसमें 200 साल पुरानी हनुमान जी की प्रतिमा मौजूद है, उसे भी उसको गायब करके सबूत नष्ट कर देना चाहता है। लिहाजा ये हमारी दरख्वास्त है प्रशासन से कि उस मंदिर की सुरक्षा प्रदान की जाए उस परिसर को, और उसकी बिक्री पर रोक लगाई जाए जिससे कि वो फर्जी उसको फर्जी तरीके से बेच ना सके। क्या नाम भैया? मेरा नाम लवलीन कपूर है। मामला ये है कि मोहल्ला सौदागरान में ये अपना प्राचीन शिव मंदिर है, उसके सामने एक पुराना मंदिर हुआ करता था लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से, ठाकुर जी विराजमान। सन 74 में ये दर्ज है नगर निगम में मंदिर के नाम से। 78 में इसमें मूर्ति चोरी करा के कुलदीप शर्मा जी जो बता रहे हैं, उन्होंने इसमें मूर्ति खुर्दबुर्द कराई, अष्टधातु की मूर्ति थी, वो चोरी करा दी, चोरी हो गई। उसके बाद धीरे धीरे प्लानिंग के तहत उन्होंने मार्केट बनाया, गैराज बनाया, धीरे धीरे सारी संपत्ति के किनारे दुकान बना के बेच दी। यहाँ तक सही था कि जब दुकानों किराया मंदिर का खर्चा चलेगा। उसके बाद उन्होंने प्रॉपर्टी बेचनी शुरू से 1, 2, 3, 4 भूखंड बेच दिए। अब जो मेन मंदिर बचा है उसको भी बेचने की तैयारी में उनका लड़का है। कुलदीप जी का स्वर्गवास 3 साल पहले हो गया। लड़के का नाम संजीव शर्मा है और दिल्ली रहता है वो, यहाँ रहता नहीं है। इनके भांजे जो हैं वो यहाँ रह के मंदिर की देखभाल और हम मोहल्ले वाले देखभाल करते थे, लेकिन हुआ क्या कि अब उनने सबको स्ट्रिक्टली कह दिया कोई नहीं आया इधर, सब बाहर निकलो यहाँ से, भांजों को भी बाहर निकाल रहा है वो मतलब पूरी तरह आमादा है उस संस्कृति को, उस मंदिर को नष्ट करने के लिए। और जो मूर्ति है हमारी 2 साल पुरानी तैयार थी मूर्ति, हम तो बचपन से देख रहे हैं, हनुमान जी की विग्रह है और एकमात्र विग्रह बचा है वो, तो हमें डर है कि वो भी उसे वो नष्ट वष्ट ना कर दे। हाँ, बेचेंगे तो उसे नष्ट करेंगे ही करेंगे। लिहाजा हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से भी आग्रह किया है कि पहले उस मूर्ति की सुरक्षा तुरंत सुनिश्चित कराई जाए, चाहे हम वीडियोग्राफी कराएं, चाहे हम पुलिस बिठा लें, कैसे भी करके, क्योंकि कल वो परसों बंदा आके वो अपनी कार्रवाई सुनिश्चित कर लेगा। उससे पहले वो हमें कार्रवाई करनी है कि इस मंदिर की जगह पहले मूर्ति जाना हमें, क्योंकि कल को क्या मूर्ति नहीं है, मंदिर नहीं है। और मंदिर का पूरा आप किसी बुजुर्ग से पूछेंगे, मोहल्ले दादे का नाम क्या था, कौन इसका पुजारी था, क्या था, सारा विवरण मिल जाएगा। मोहल्ले सब बुजुर्ग जानते हैं, और 4-5-6 लोग जो बचे हैं मोहल्ले में इस टाइम हिंदू परिवार, वो सब इससे परिचित हैं, सब बिल्कुल एक एक बात आपको सही बता सकते हैं।